स्टूडेंट्स, सी ए करिश्मा मंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। अब अपन लोग स्क्वीनस निकालने के कार्ल पियर्सन मेथड देखेंगे। कार्ल पियर्सन मेथड में अपने पास दो तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं स्क्वीनस। एक होती है एस के, मतलब ये स्क्वीनस, और एक होता है कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनस। ये तुम्हारा एब्सोल्यूट मेजर है और ये तुम्हारा रिलेटिव मेजर है। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव मतलब, एब्सोल्यूट मेजर मतलब जिस टर्म में आपकी पॉपुलेशन है उसी टर्म्स में आप लोगों की क्या होगा, उसी टर्म्स में आप लोगों का ये एस के निकलेगा। कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनस क्या होता है ना, वो दूसरे वो तुम्हारे पैरामीटर्स के साथ तुम्हारे स्क्वीनस को कंपेयर करता है और बताता है कि उसके अंदर कितना डिग्री ऑफ वेरिएशन है। तो एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। अपन को यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड से क्या मिलेगा, स्क्वीनस ही मिलेगी। अब यहाँ पे स्क्वीनस निकालने की फॉर्मूला अलग है। ऊपर अपन ने देखा कि भाई मीन मीडियन मोड निकालते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं। अगर तीनों इक्वल है तो भाई सिमेट्री है, अगर मीन मीडियन से ज़्यादा है, मीडियन मोड से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव है, और अगर ये इस तरह से ऑपोजिट डिरेक्शन में तो नेगेटिव है। कार्ल पियर्सन मेथड में तुम लोगों को ऐसा बोला गया है कि अगर तुम्हारा मोड डिफाइंड है, डिफाइंड मतलब मोड तो तुम लोग मॉडल क्लास किसको बनाओगे, इसको या इसको। इस केस में मोड डिफाइंड नहीं है। अगर मोड डिफाइंड है, मोड निकालना पॉसिबल है, तो तुम्हारी स्क्वीनस की फॉर्मूला हो जाती है एस के इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस मीन मोड, सॉरी एक्स बार माइनस मोड, दैट इज मीन माइनस मोड। और कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनस की फॉर्मूला हो जाती है थ्री एक्स बार एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस। मैंने क्या बोला तुम लोगों की, कोफिशियंट की स्क्वीनस की फॉर्मूला हो जाती है एक्स बार माइनस मोड, और कोफिशियंट में यहाँ पे डिवाइड बाय एस आ जाएगा। पर अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर मोड डिफाइंड नहीं है, मतलब मोड निकालना पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारी जो स्क्वीनस है एस के की फॉर्मूला हो जाएगी थ्री एक्स माइनस एम, और कोफिशियंट ऑफ एस के दैट इज जे की फॉर्मूला हो जाएगी थ्री एक्स माइनस एम अपॉन एस। ठीक है, ये तुम्हारी कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर तुम्हारे बाइफरकेशंस हो गए। अगर मोड डिफाइंड है तो क्या फॉर्मूला है, मोड नहीं डिफाइंड है तो क्या फॉर्मूला है। चलो आते हैं एग्जांपल वन। एग्जांपल वन में तुमको एक्स दिया हुआ है, तुमको एफ दिया हुआ है। तुम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, अपन को स्क्वीनस निकालने को बोला है कि स्क्वीनस और कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनस निकालो कार्ल पियर्सन मेथड से। अब अपन को पता है कार्ल पियर्सन मेथड में क्या मोड डिफाइंड है। देखो, एक ही क्लास मोड मतलब क्या होता था, मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो एक ही ऐसी इलेवन एक ही जगह है ना, तो यहाँ पे मोड डिफाइंड है, तो मतलब यहाँ पे अपने एस के की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मीन माइनस मोड। और स्क्वीनस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एस के मतलब स्क्वीनस की फॉर्मूला ये होगी, कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एक्स बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो यहाँ पे इन लोगों को दिख रहा है कि नंबर बहुत बड़े बड़े, एक्स और एफ के जो नंबर, ये माइनस ए, यहाँ पे किसी एक वैल्यू को ए अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे अपन ने 160 को ए अज्यूम किया, सब में से 120 माइनस 160, 130 माइनस 160, 140 माइनस 160, 150 माइनस 160, 200 माइनस 160, 190 माइनस 160, 180 माइनus 160, 170 माइनस 160 एंड 160 माइनस 160, ये अपन ने किया। अब अपन को क्या करने का, जैसे पहले अपन एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करते थे, अब अपन एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चा लोग, ये अपन ने चैप्टर नंबर 4 में समझा हुआ है मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, तो भी मैं एक बार वापस समझा रही हूँ। एफ और डी को मल्टीप्लाई करके एफ डी निकालेंगे, उसके बाद आप लोगों को पता है क्या करने का, एफ डी को वापस डी से मल्टीप्लाई करने का। एफ डी का स्क्वायर मतलब ये नहीं है कि 80 का स्क्वायर करो, यहां पे एफ डी का स्क्वायर है एफ डी मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पे एफ डी का स्क्वायर मतलब एफ डी मल्टीप्लाई बाई डी। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ये मत निकालिए, आप इसकी जगह डी स्क्वायर निकालिए, और डी स्क्वायर जो है ना उसको एफ से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब आप लोग पहले एक्स निकालेंगे, एक्स है एफ है, एक्स से आप लोग डी निकालेंगे, फिर डी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो पहले आपने ये डी निकाला, एफ डी को मल्टीप्लाई किया, एफ डी का जो आया उसको वापस डी से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे तुम लोगों को
ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है वापस, तो माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40 दैट इज 3200, फिर 90 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब 2700, इस तरह से मल्टीप्लाई किया तुम लोगों का एफ डी स्क्वायर कितना आया 19500। अब तुम लोगों को मीन निकालना है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए की वैल्यू क्या है भाई, तुमने ए किसको माना था 160, सिग्मा एफ डी कितना है तुम्हारा, सिग्मा एफ डी, हाँ इसके अंदर मीन के अंदर एफ डी काम आता है, एफ डी स्क्वायर कहाँ काम आएगा मैं बता दूंगी, 190 अपॉन एन कितना है 50, तो इसको आंसर निकालेंगे तो 163.8। अब मोड निकालना है, मोड तो भाई माइनस 160 तो आया 3.8। अगर तुम्हारा एस के मतलब स्क्वीनेस ग्रेटर देन जीरो आ रही है, मतलब ये तुम्हारी पॉजिटिवली पॉजिटिव स्क्वीनेस है, और अगर तुम्हारा ये माइनस में आता तो ये नेगेटिव स्क्वीनेस होती। अब तुम अपन क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, एस अगर अपन डी निकाला है तो एस की फॉर्मूला क्या हो जाती है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 19500 अपॉन 50 माइनस एफ डी का स्क्वायर, एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर मतलब 190 अपॉन 50 का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में डाल देना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 19.38 यूनिट्स, ये तुम्हारा एस आएगा। आया समझ तुम लोगों को ये वाला पार्ट। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों ने ये स्क्वीनेस निकाल दी, कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनेस कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारी स्क्वीनेस आई उसको डिवाइड बाय एस कर दोगे, 3.8 डिवाइड बाय 19.38, इसका आंसर आया 0.20। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज पॉजिटिव स्क्वीनेस, इट मस्ट बी नोटेड दैट 0.20 इज फ्री फ्रॉम यूनिट एज कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनेस इज फ्री फ्रॉम यूनिट। इसमें अपन लोग यूनिट नहीं लगाते, ये तुम्हारा एब्सोल्यूट हो, ये तुम्हारा रिलेटिव मेजर होता है, रिलेटिव मेजर में कभी भी यूनिट्स नहीं लगती, पर एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट्स लगती है। क्वेश्चन नंबर टू, आपको यहाँ पे क्लास वाली फ्रीक्वेंसी दी है, इसमें अपन को मीन निकालने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ता है, जो क्लास दी हुई है पहले उससे अपन को मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो अपन को एक्स मिल जाता है, एक बार एक्स मिल गया और एफ मिल गया, उसके बाद तो जैसे अपन ने ऊपर वाला सेम सम किया वैसे ही तुमको यहाँ पे नीचे वाला सम भी करना है, ठीक है। बस हाँ, एक और चीज़, ये वाले में तुम लोगों का मोड निकालने का तरीका अलग होता है। अब इसमें मोड निकालने के लिए जैसे तुम्हारा सबसे हाईएस्ट कौन है, ये क्लास है 40, ये 40 से 60। अब तुम्हारी फॉर्मूला क्या हो जाती है मोड की, एल प्लस एफ ऑफ मॉडल क्लास माइनस एफ वन अपॉन टू ऑफ मॉडल क्लास माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी। अब एल मतलब मॉडल क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब 40, प्लस एफ एम मतलब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब 40, फिर एफ वन मतलब मॉडल क्लास के ऊपर वाले की जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 20 अपॉन 2fm मतलब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी इंटू 2 माइनस ऊपर की फ्रीक्वेंसी माइनस उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी इंटू सी। इंटू सी मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 40 और 60 के बीच में जितना डिफरेंस है 20। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा मोड आएगा। तो यहाँ पे मोड निकालने का तरीका अलग है, तो आपको समझ आ गया होगा, मोड अपन ने निकाल दिया, अपन ने मीन निकाल दिया, मोड निकाल दिया। अपन क्या करेंगे, अब एस के निकालने के लिए एक्स बार माइनस मोड तुम्हारा आएगा 2.37। अब इस 2.37 को तुम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, दैट इज़ 22.04, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 0.11। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम लोगों का सिमेट्री का पॉजिटिव सिमेट्री हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में तुम लोगों को सेम इसी तरह से करना है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं दिए, पर मीन को और मोड दोनों को कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसी की जगह तुम लोगों को अगर मीडियन निकालना होता तो तुम लोगों को यहाँ पे क्लास चेंज करनी पड़ती। हाँ, मोड में बस एक फ़र्क पड़ेगा, जब तुम लोग यहाँ पे एल लिखोगे ना तो जिससे तुम्हारी यहाँ पे क्लास कौन सी है, ये तुम्हारी मॉडल क्लास है, तो तुम्हारा एल यहाँ पे 41 नहीं होगा, एल तुम्हारा 40.5 होगा। मतलब अपन क्या करते हैं ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जो लोअर बाउंड्री पॉइंट होता है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं, तो तुम्हारा जो होगा मतलब 10 का डिफरेंस होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम लोगों को यहाँ पे अगर तुमको दिख रहा है फोर्थ वाले क्वेश्चन में तुम अगर ये चीज़ ध्यान रखना, मोड हमेशा इक्वल लेंथ वाली
इक्वल लेंथ वाले सम्स में ही निकल सकता है। यहाँ पे लेंथ देखो, यहाँ पे टू का डिफरेंस ठीक है, ये तो सही है। आगे तुम लोगों को देखो क्या बोला है, तुम लोगों को यहाँ पे दो का डिफरेंस दो। अच्छा बच्चा लोग सॉरी, यहाँ पे तीन का डिफरेंस है, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे तीन का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे दो। बच्चा लोग मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा डिफरेंस इक्वल नहीं है तो मोड निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर मोड नहीं निकला मतलब अब एस के की फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, एस के की फॉर्मूला हो जाएगी 3 × x बार माइनस मीडियन। अगर ये तुम्हारा जीरो से ऊपर आया तो पॉजिटिव, और अगर जीरो से नीचे आया तो नेगेटिव। तो तुम लोगों को यहाँ पे मीडियन निकालना आता है। मीडियन निकालने के लिए पहले अपन को मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। याद रखना मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सी एफ। बच्चा लोग मीडियन निकालना मैं वापस नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ एक बार दिखा रही हूँ। अगर नहीं याद है तो अपना चैप्टर नंबर 4 की वीडियोज़ वापस देख लेना। मीडियन में क्या होता है, पहले मीडियन क्लास निकलती है, n/2 मतलब 200/2 तो मतलब 100th ऑब्जर्वेशन। अब सी एफ में देखो कि 100th किसके अंदर आएगा, यहाँ 45 तक इसके अंदर आएगा, 45 के से लेके 165 इसके अंदर आएगा, मतलब ये तुम्हारी मीडियन क्लास हो गई, 7 से 9 तुम्हारी मीडियन क्लास हो गई। फॉर्मूला होती है l+n/2 − cf0/f1 × 100 और इंटू सी मतलब जितना डिफरेंस है, तो तीन का डिफरेंस है। अब l कितना है, l तुम लोगों का इसका मीडियन क्लास का l कितना, n/2 कितना हो गया 100, cf0 मतलब जो तुम्हारी मीडियन क्लास है उसके ऊपर की cf तो 45, और f1 मतलब cf की जो तुम्हारी मीडियन क्लास है उसके खुद की f तो 120, और इंटू सी मतलब इंटू 3। इसको सॉल्व करोगे तुम लोगों का आंसर आएगा 7.88। अब तुम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, σfd² / n − σfd / n² ये करके s निकाल दिया, ये स्क्वीनेस निकल गई, इस स्क्वीनेस को डिवाइड बाय अपन s कर देंगे तो अपन लोगों को कोफिशियंट ऑफ स्क्वीनेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोगों का ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अब इसके अंदर जो भी डाउट हो मुझे पूछना, इसके बाद अपन नेक्स्ट सम्स एग्जांपल्स में मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद आप लोग 5.1 करना चालू कर देना। यहाँ पे अपनी कार्ल पियर्सन मेथड ख़त्म होती है।